के अंदर आइसक्रीम पाउडर डालते हैं। पापा को ना पता चले कि मैं इधर हूँ। ये है जी पापा के लिए। ये खीर कैसी लगी बाबा? अगर मैं गिर गई तो मेरे घर वालों ने कह रहे हैं तू कितने खड़ी कर दी। पापा मैंने सवार पढ़ा के ना पीछे बैठा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कशफ का जहां विद मैडम फिजा। तो जी उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हमने बनानी है अब्बा जी के लिए एक स्पेशल डिश। अब्बा जी ने रोला पाया होया से मिनू कोई चीजी बना दो, चीजी बना दो, चीजी बना दो। तो हमने डिसाइड किया कि अब्बा जी के लिए बनाएंगे स्पेशल डिश। तो जी करते हैं हम व्लॉग को स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर बन रही है लजीजा खीर। और बना कौन रहा है? मैं अब्बा जी के लिए मैं खीर बना रही हूँ। और कब की मैंने इसके अंदर डाली हुई, अब ये पकेगी उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी। ये आइसक्रीम पाउडर मेरे पास चाहिए था, आइसक्रीम पाउडर। मैंने सोचा कि नया जार लगाते हैं, इसके अंदर आइसक्रीम पाउडर डालते हैं, देखते हैं आइसक्रीम की फील आती है इसमें या नहीं। नहीं। इधर बन रही है जी रोटियां एज यूजुअल। अम्मी का काम रोटियां नहीं, मैंने बनानी आती है बस, बाकी सारे काम कर लेने में। अब हम इसको हिलाते जाएंगे और जब ये पक जाएगी इसके अंदर, मतलब 90% हो जाएगी इसके अंदर, फिर हम वो आइसक्रीम पाउडर डाल देंगे। डब्बे के ऊपर लिखा था कि खीर को थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना। ओए ये तो मैंने उठा के देख लिया उबल रही है। मैं ना वैसे इसे छोड़ के जा रही थी, नहीं तो इसने गिर जाना था सारा, फिर मुझे डांट पड़ जानी थी अम्मी से। चलो जी अब हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे, थोड़ी देर लो फ्लेम कर देंगे ताकि ये उबले भी ना। और अब हम इसे थोड़ा सा हिला देंगे और इसके ऊपर अब ढक्कन रख देंगे। चलें जी अब मैं जा रही हूँ बाई फिरने टूरने। ये जी हमारा सिंगार मेज पड़ा हुआ, मेरी अम्मा के जहेज का पुराना सिंगार मेज। और ये देखें जी आपकी ब्यूटीफुल सी बाजी, इतनी प्यारी इतनी हसीन, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। कहाँ सी आ गई है ये प्यारी सी बाजी? ये देखें जी वो अब्बा जी शीशे में नजर आ रहे हैं। और मैं आपको ये वाला रूम दिखाती हूँ, ये देखें जी ये भी थोड़ा थोड़ा रेडी हो रहा है। इसके ऊपर ना आई थिंक वॉल पट्टी लग गई है, बाकी इसका काम रहता है वो भी लगेगी। ये देखें जी हमारा प्यारा सा दरवाज़ा, अभी बैठ जाते हैं हम देखते हैं रोशनी। हमने यहाँ पे भी पेंट करवा लेंगे ना जो एंड पे बचेगा, यहाँ पे भी इसको भी क्लीन एंड नीट करवा लेंगे। वेंटिलेशन अच्छी लगती है, साफ़ सुथरी अच्छी होगी है रोशनी माशाल्लाह से। ये देखें अभी तो इसके ऊपर वॉल पट्टी लगी है, पेंट पोंट कोई नहीं हुआ। इसका पेंट हमने सोचा कि हम चेंज करवा लें, आज हम जाके पेंट लेके आए थे इसका, वो ज़रा थोड़ा पिंकिश सा है, अम्मी को पसंद था पिंक कलर का पेंट। तो हमने कहा चलें जी अम्मी के भी मान लेते हैं, बंदा खुश हो जाता है, फिर ये रूम अम्मी को दे देंगे पिंक वाला रूम और वो रूम हम रख लेंगे। अच्छा हमारे साथ ऐसा हुआ कि जब हम पेंट लेने गए हमने उन्हें बताया कि ये वाला कलर है और इसका नंबर ये वाला है, तो बताया कि ये वाला पेंट दे दे, उन्होंने कोई और निकाल के रख लिया वो। तो मैं बहुत होशियार थी, अच्छा मैंने जल्दी से देख लिया, मैंने कहा भाई इसका तो नंबर चेंज है, तो फिर उन्होंने चेंज करके दिया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जब भी आप कोई काम करें जरा दिमाग हाजिर करके काम किया करें। या। अब देखें वो हमें गलत कलर दे देते, तो हमने कहना था हमने तो और के पसंद किया, इसमें से निकला ये वाला है, तो जरा होशियारी किया करें और अपनी तरफ से भी थोड़ी तसल्ली कर दिया करें, दुकान वालों पे ना छोड़ा करें। और ये फिर यहाँ पे पड़ी हुई है सीढ़ी, मेरा बड़ा दिल करता मैं इसके ऊपर चढ़ के मैं कहूँ मैं आ गई हूँ सबसे बड़ी बिल्डिंग पे, बुर्ज खलीफा पे चढ़ी हुई हूँ मैं। देखें जी ये हमने रखी हुई है दोनों सेफें जोड़ जोड़ के अपनी अलमीरास, इसके ऊपर चढ़े। मेरा ख्याल में ये मैंने पापा का जूता पहना हुआ है, अगर मैं चढ़ी है इसके ऊपर तो मैं गिर जाऊंगी। चढ़ते हैं इसके ऊपर बिस्मिल्लाह। वाओ ओ माय गॉड वाओ आई एम एट द टॉप अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आई अल्लाह मैं जड़ी, अगर मैं गिर गई तो मेरे घर वालों ने कह रहे हैं तू कितने चढ़ी फिर दी है। ये देखिए जी ऊपर से इतना हसीन तरीन मंजर है, ये देखे पंखे इतने गंदे हुए पड़े हमारे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने पैसे दे दिए पंखे भी नहीं ले लेंगे। ये देखें जी मैं कितनी ऊंचाई पे खड़ी हुई हूँ, ओह माय गॉड लग रहा है कि मैं हवाओं में हूँ, मैं पंछी हूँ एक। ये देखें जी इसके ऊपर कपड़ा बिछाया हुआ है, वो एक और वेंटिलेशन है, ये एक और है, ऊपर से हवा आ रही है। मेरे अम्मी पापा ने नहीं पता मैं कितने चढ़ी हुई हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, हूने उन्होंने ब्लॉग से देख रहा था मैंने पै जानी कोट, वो पापा आ गए छुप जाते हैं हम इस तरह से, पापा को ना पता चले कि मैं इधर हूँ। वो देखे
अभी चलते हैं नीचे वापस। ये ना वे तो पहले मैं धड़ाम करके डिग्गी हूँ, मतलब सारे मेरे रेस्क्यू कर दे फिर। आय अल्लाह, इसके ऊपर बाल्टी भी पड़ी है, खड़े होने की जगह नहीं और कपड़े भी मेरे गंदे हो रहे हैं। बाल्टी को हम साइड पर कर देंगे, अब हम जाएंगे नीचे वापस। हाँ जी भाभी सही है, मैं क्या मेरे कोट पे आ जाने घर वाले ने पता चल गया थे। बात तो सही है। मैं भी मजा ला ला जरा उत्ते चढ़ के, किदा ना महसूस हुंदा, छत मेरे कोल है बिल्कुल। ये देखे जी मैंने हाथ भी लगा लिया छत को, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। शाबाश बेटा, अब चलते हैं वापस, मुझे डर लग रहा है। पापा ही सीढ़ी को पकड़ के रखना। ओके ओके, पापा को सीढ़ी पकड़ा दिए, अब हमें कोई डर नहीं है कि मैं गिरूंगी। आय बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, बहुत डर लगता है लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली फाइनली नीचे उतर आए। मैं फिर दिखा देती हूँ, ये देखें जी आपके बाजी पूरी सलामत बाहर निकल आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी सी बच्ची, अम्मी को नहीं पता मैं ऊपर चढ़ी हुई थी। ओए खीर देख लेते, खीर पकी है या नहीं। आई थिंक थोड़ी थोड़ी पकी है, तो अभी हम इसे दोबारा हिला देंगे। शुक्र है मैंने जाते वक्त इसे देख लिया, नहीं तो ये उबल जानी थी और मैं इसे ऊपर से चढ़ा नीचे उतरा भी नहीं जाना था जल्दी। ओए अल्लाह, पापा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे उतर चढ़ गए तो मैं क्यों ना पीछे रहूं। पापा भी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, वाह भाई वाह। और मुझे कह रहे हैं पुत्र जी सीढ़ी फाड़ के रखो, मैं किधर डिग ना जावां। ओए अल्लाह, पापा नु लगता कोई कम याद आ गया। पापा ना उनके विच नीटनेस दिंदे पे। पापा अगे कह रहे थे कि छत दी जड़ी छत। ओए पापा उतार ना दियो कलर, खराबी हो गई है। मैंने लगता पापा ने खराबी सही कर दे, कर देना कलर उतार देना इहदा उपरों। वर्कर वाला काम पापा ने करना शुरू करता। पापा इहदे बाल्टी विचों फालछी चक्कन दे ते उत्ते लाउंदे। पापा कहिंदे जल्दी जल्दी काम हो जावे घर दा, है ना पापा। हाँ जी हाँ जी, पापा ने ये ना बेचारा आवे कभी ये किने कीता है काम खराब किया होया। मुझे लगता कोई तो पापा ने काम खराब करना। बाद अम्मी को झिड़का पैन पापा ने। पकन का नाम ही लैन दी, पता नहीं की हो गया। खीर ने भी जल्दी जल्दी पक जा खीर दी। ला 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 ला। ये भी गोपी बहू तरह उत्थे ही अड़ी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही। खीर की मोई मोई हो रही है। मेरी मोए मोए हो रही है कि जल्दी पकी नहीं रही। फिर अम्मी ने कहना इन्हू पुत्र जी इन्हू पकाओ, जल्दी पकाओ, इन्हू ठंडा करो। हाँ जी पापा, की होया पकड़ा सीढ़ी। चलो ये पापा उतरन लगे, सीढ़ी फड़ ले गया आपा। उतरो उतरो, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी चलो, पापा ने उथे ला दिती आ वाल सीढ़ी है वो। उसको नहीं चबलानी पापा जी, उसको नहीं चबलानी है। कोना खराब है, भागो भागो भागो, इतना शोर अल्लाह, मेरा सारा मूड खराब कर दिए। पैन तू ही पक जा, नी मेरी ए सोनिए, नी तू पक जा जल्दी, ए ना होवे मैनू पवावे चिड़कां। इन्हें कोई जाना नहीं, चिड़का मैनू पै जानी, तेन काम नहीं करना आंदा। पप्पा अपनी कारीगरी में लगे हुए हैं, मम्मी ने सीढ़ी पकड़ी है, और इधर हम भी टहल पहल चहल रहे हैं। आपने व्लॉग्स को बहुत ज्यादा ज्यादा लाइक करना है, ये ना हो कि बाजी कहीं आप व्लॉग बना रही हो लोग पसंद नहीं कर रहे, तो प्लीज प्लीज आपने व्लॉग्स को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ताकि बाजी को पता चले कि छोटी बाजी भी इतनी कोई निकम्मी नहीं हैगी। अच्छा जी, खीर में मैंने आइसक्रीम पाउडर डाल दी है, तो इसमें अब हो गई है थोड़ी सी चीनी की ज़रूरत, तो हम एक चम्मच चीनी डाल देंगे इसमें, क्योंकि हमारे अब्बा जी को मीठा तेल पसंद है। अम्मी को तो शुगर है, तो अम्मी हल्का मीठा पीती हैं, और मैंने और कश्यप ने वैसे छोड़ दिया, जब अम्मी को शुगर हुई थी तो हम दोनों ने छोड़ दिया था, हम नहीं मीठा खाते, तो अब्बा जी बहुत तेज़ मीठा खाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी चीनी इसके अंदर डाल दी, लेकिन ज़्यादा मीठा नहीं देते हम पापा को, क्योंकि सेहत के लिए बहुत नुकसान होता है। आप भी इतना मीठा ना खाया करें, जो तो तुम बुढ़े हो गए ना तो फिर लगूगा पता थानू। जो शुगर हुई थी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह किसी को ना करवाए बीमारियां, लेकिन जरा एहतियात जरूरी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई एम वेरी सीरियस। ये देखें जी, अब मुझे लगता है पक रही है, बस थोड़ी सी रह गई है, मैंने इसके अंदर आइसक्रीम पाउडर भी डाल दिया, अब देखते हैं इसमें से आइसक्रीम का टेस्ट आता है या नहीं।
फिर पापा से इसका रिव्यू ले गए कि आपको कैसी लगी है आपकी आपके एक कदर प्यारे बच्चे ने बनाई है खीर पहली बार। तो हम यहाँ पे रख देंगे डब्बे को और ये देखें जी जोर और शोर से खीर उबलने लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी प्यारी सी टाइल, इसमें तो मेरा मुंह भी नजर आते है इतनी चमचमाती हुई टाइल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी हम इसे डिश आउट करेंगे पका के, तो फिर फाइनल रिव्यूज मिलेंगे हमें कि फिजा ने अच्छा काम किया है या नहीं किया। अच्छा जी खीर ठंडी हो गई है, अब जी घर वालों को करवाते हैं चेक और फिर इनसे पूछते हैं कि कैसी बनी है। ये है जी पापा के लिए, ये लें जी, और ये है जी मम्मा के लिए साड़ी प्यारी अम्मी। हूँ तुझे सारे नंबर चेक करके दसनी सही है, फिर इनसे रिव्यू लेंगे कैसी लगी है खीर। खीर कैसी लगी बाबा? हाँ जी बेगम तुम बताओ कैसा लगा खीर। मैं क्या बताऊँ आपको, पता है नहीं मेरे को तो पता है लेकिन मजेदार है माशाल्लाह, लेकिन नेक्स्ट टाइम बनाओ तो ज्यादा बनाओ। लजीजा जो लाए रिश्तों में प्यार। मैं अम्मी तो पापा ने इन्नी बढ़िया रील सिखाई है भी तुसी इंज इंज बोलना चलो कबूल करिए, तुसी दसना भी तुहानू किदां दी लगी है वीडियो। मजा आया ना ही दूसरी वाली मां प्यारी बेइज्जती बेइज्जती किथे है अम्मी, मैं असल चीज विखाउणी है आपा, रियल चीज विखाउणी है आपा, फेक बन के विखाउणा ही नहींगा सही है ना। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। A few moments later. ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਟੈਂਸਿਲ ਦਾ ਪੇਂਟ ਹਮ ਲੋਗੋ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਮ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਕੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ ਬਾਈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਗਾੜੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਬਾਈਕ ਕਹਿ ਰਹਾ ਉਸਕੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਾਈਕ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਤੋ ਆਪਨੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। और अब हम घर वापस जा रहे हैं, ये सामान लेने आए थे कुछ जी। घर हम वापस आ गए हैं, वहाँ से हमने ये वाला एक रोलर लेना था स्टेंसिल डिजाइन बनाने के लिए, तो उसके लिए अच्छा स्टेंसिल का हमने फाइनली कलर भी डिसाइड कर लिया। हमारे घर में लड़ाई पड़ी हुई थी, ये कलर लेना है ये कलर लेना है, और फिर जी हमने म्यूचुअल डिसीजन किया, तो हमने सोचा है कि ये वाले कलर की स्टेंसिल डलवाएंगे दीवार पे, ये बेज ग्रे है 245। होप सो कि ये अच्छी लगेगी ऊपर, उसके ऊपर स्टेंसिल तो मेरा ख्याल से वो अच्छी लगेगी। तो आपने बताना कि ये स्टेंसिल के लिए कलर अच्छा है या नहीं, हमने तो ये डिसाइड किया। उम्मीद है जी आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपका ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल कर देना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड कमेंट, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।